हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरप्रीत, वेलकम टू माय चैनल। आज अमेजॉन प्राइम पर मलयालम मूवी कुरुथी रिलीज हुई है, जिसमें रोशन, मैथ्यू और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल्स में है, और भी बाकी सारे बहुत बढ़िया कलाकार हैं इस फिल्म में। इस फिल्म का स्टोरी जो है वो शुरू तो होती है रोशन मैथ्यू की लाइफ दिखाते हैं कि केरला फ्लड्स में उन्होंने अपनी वाइफ और बच्ची को खो दिया था। उसके बाद वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो उनकी एक नेबर है जो हिंदू है, वो एक मुस्लिम है, वो सोच रहे होते हैं कि शायद वो एक दूसरे से शादी कर ले ताकि दोनों के परिवार जो सेटल हो जाए। अचानक से ये 20-25 मिनट तो कहानी थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है कहानी का वही दिखाते हैं। अचानक से 25-30 मिनट के बाद फिल्म में एक रात को एक पुलिस वाला एक मर्डरर के साथ, एक हिंदू बॉय मर्डरर है जिसने पास की एक दुकान में जो मुस्लिम शॉप ओनर है उसका खून कर दिया था, उसको लेकर रात को आ जाते हैं। और उसके बाद ही उस शॉप ओनर का बेटा बदला लेने के लिए, जिसका रोल पृथ्वीराज सुकुमारन प्ले कर रहे हैं, उसके साथ साइन टॉम भी उसे असिस्ट करते हैं, जो कि पहले तो रोशन मैथ्यू के फ्रेंड थे, और लेकिन जो कम्युनिटी के हिसाब से वो कहते हैं कि यार इसने उन्होंने हमारे एक को मारा है तो हमारा भी उनको मारने का बनता है, सो ये किस्म का हेट है। तो ये जब झड़प चालू होती है तो पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, और पृथ्वीराज सुकुमारन तो बदला लेने के लिए उसको तो उस लड़के को मारना ही मारना है। रोशन मैथ्यू को पुलिस वाला कहता है कि कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम इस बच्चे को जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंचाओगे, इसके हाथ में पृथ्वीराज सुकुमारन के हाथ में नहीं दोगे। तो रोशन मैथ्यू कसम खाते हैं कि हाँ, मैं उसे सही सलामत पुलिस स्टेशन तक पहुँचाऊँगा। उसके बाद जो लॉ है वो जस्टिस उसके साथ देखेगा, जस्टिस जो है पृथ्वीराज सुकुमारन के हाथ में बदला लेने के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, और इसी के बारे में जो है आगे की कहानी। सो कहानी का जो बेस है वो है नफरत, मतलब तुमने हमारे एक को मारा तो हम तुम्हारे एक को मारेंगे, और ऐसा कब से, मतलब कितने टाइम से चलता ही आ रहा है। और जो नफरत अंदर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो जो बच्चा जिसने खून किया है वो बात करता है कि अचानक से बैठ के घर में बात कर रहा होता है कि मुगलों के टाइम पे कितना सारा कन्वर्टिज्म हुआ था, कितना सारा जुल्म हुए थे हिंदुओं पे, उसकी वजह से जो है आज मुझे गुस्सा आ रहा है कि और उसका जो बाप रहता है रोशन मैथ्यू का, वो मतलब इतना पुराना आदमी, वो कह रहा है बेटा हमारी लाइफ तो गरीबी में निकली हुई है, हमने तो बस ये सोचा है कि यार कल की लाइफ कैसे जिए, इन सब चीज़ों के बारे में तो सोचने का भी मौका ही नहीं मिला। ये जो हेट है कहीं ना कहीं आज की डेट में भी जो पॉलिटिकल कितना जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से ये जो हेट है पहले भी था और अभी भी जो दोनों कम्युनिटीज़ के हार्ट में है वो मतलब बीज बोया जाता रहता है और वो बढ़ता ही रहता है। उस हेट को, और मैं जो कहना पड़ेगा कि यार मतलब देख, तुम मलयाली लोग क्या खाते हो, क्या पीते हो और क्या फूकते हो, मतलब भाई साहब क्या फिल्में बनाते हो, मतलब एवरी टाइम ईच एंड एवरी न्यू मलयालम रिलीज इट नेवर फेल्स टू इम्प्रेस। डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, मतलब सिनेमाटोग्राफी सेकंड हाफ की स्पेशली क्लाइमैक्स की तो इतनी ब्रिलियंट है कि मतलब मैं क्या बोलूं। इतना बढ़िया तरीके से इस फिल्म को दिखाया गया है, और कहानी का जो थीम है वो है हेट, और वो किस तरीके से जो कॉमन लोगों की जो लाइफ है, आपस में दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एक मुस्लिम लड़का लड़की सोच रहे हैं शादी करेंगे लेकिन उनके बीच में भी दरार आ जाती है व्हेन इट बिकम्स यू नो देम वर्सेस अस। ये मतलब कितना एक ये कॉमन लोगों की लाइफ में कितने बुरी तरीके से जो एक कम्युनिटीज़ है जब इसकी बात आती है, और जब नफरत कहीं ना कहीं से बीच उसका जो रोशन मैथ्यू का छोटा भाई रहता है उसके अंदर भी कैसे, जैसे वो दूसरा टीनेजर जिसने मर्डर कर दिया था उसके अंदर भी एक बीज कहीं ना कहीं बो रहा है। सो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और एक सिंपल सी स्टोरी, ये नहीं कि मतलब कोई दो कम्युनिटीज़ के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है, तब एक रात को अचानक से ही किस तरीके से जो कॉमन लोग ही है वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। मस्त से मतलब बहुत मस्ट वॉच फिल्म है, अमेजॉन प्राइम पर इसको जाके ज़रूर देखो। मलयालम फिल्म है तो यार पहले एक तो मलयालम फिल्म पता ही है, जो भी देखते हैं जिनको पता है मलयालम फिल्में कैसी होती है, हाँ यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, यू वुड बी ब्लोन अवे, स्पेशली एक्टिंग, डायरेक्शन, मतलब सब कुछ बहुत ही बढ़िया, एक और मस्ट मलयालम फिल्म। सो डू नॉट मिस कुरुथी, गो हेड एंड वॉच दिस ऑन अमेजॉन प्राइम, और अगर आपने देख लिया है तो क्या राय है आपकी फिल्म के बारे में मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो लैंग्वेज है फिल्म का वो है मलयालम, इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, आई सी यू अगेन।